राइज नेशन क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले, जैसा कि आपको दिख रहा है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस के, सब टॉपिक रेस्पिरेशन के, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे पेज नंबर 46 एंड 47 पर। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और जो बेल आइकन है उसको हिट करना भी ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में पता लगता रहेगा। साथ ही अगर आपके पास एस चांदपी एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं। लिंक अमेजोन को घर पे बैठे बैठे मंगा सकते हैं अच्छे खासे परसेंटेज ऑफ पर अपने लिए एस चांद और एनसीईआरटी की बुक। साथ ही अगर आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे एनसीईआरटी एस चांद के। लेट स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 1। डू ऑल सेल यूज ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। देखिए, आपको पता है कि हमारा अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसमें हम खाना खाते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उसके बाद वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीडेशन के थ्रू। तो सारे के सारे प्रोसेस में क्या ऑक्सीजन की जरूरत होती है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए? तो आंसर है नो। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो कहा ऑक्सीजन की जरूरत है, खाना खाएंगे ऑक्सीजन लेंगे ऑक्सीडेशन होगा तब एनर्जी क्रिएट होगी। लेकिन जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट है, ईस्ट है, इसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। कैसा होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक का मतलब होता है नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। तो दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो कि ह्यूमंस में देखने के लिए मिलता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी देखने के लिए मिलता है, पर कुछ बैक्टीरिया और ईस्ट ऐसा है जिसमें कि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो लोग करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। तभी हम जानते हैं कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है क्या। जनरली जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो शुगरी फूड खाते हैं, लाइक ग्लूकोज टाइप की चीजें खाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है। क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस। और ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। अब यहाँ पे जो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू जो ग्लूकोज है वो पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है? पाइरूवेट में। अब यहाँ पे कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये होता है, मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर ये कन्वर्ट होता है पाइरूवेट इथेनॉल में, और साथ में बहुत कम एनर्जी यहाँ पर निकलती है, 2 ATP। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एनर्जी 2 ATP निकल ली है, ये तो ईस्ट में हो गया। सम टाइम में क्या होता है कि यही प्रोसेस आपका ह्यूमंस के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। जब भी हम दौड़ भाग करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे अंदर वो जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो बहुत ज्यादा यूज अप होने लगती है, जिसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो उस वक्त हमारे में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा अल्कोहल नहीं प्रोड्यूस होता, ये अल्कोहल है। यहाँ पे पाइरूवेट के बाद सीधे क्या होता है, यहाँ पर पाइरूवेट के बाद आपका यहाँ पर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमारे को जो मसल पेन का सामना करना पड़ता है वो होता है, साथ में एनर्जी भी 2 ATP की प्रोड्यूस होती है। और जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज सेम आपका पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में आपका क्या होता है, यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा निकलती है, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पर दो तरह का रेस्पिरेशन देखने के लिए मिलता है, जो कि एक तो होता है एरोबिक, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एक होता है एनएरोबिक, जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ऑक्सीजन का प्रेजेंस वाला मोस्टली सारे ऑर्गेनिज्म में देखने को लिए मिलता है, लेकिन ह्यूमन भी ऐसे हैं जिनमें कभी कभी जब हम बहुत ज्यादा विग्रेस एक्सरसाइज कर लें तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कुछ वक्त के लिए देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और साथ में एनर्जी बहुत कम प्रोड्यूस होती है। लेकिन कुछ सेल हैं, जैसे ईस्ट है, जो नॉन ग्रीन प्लांट है, और कुछ बैक्टीरिया है जहाँ पे हमेशा ही एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। तो पहले का आंसर है डू ऑल सेल यूज ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी, तो आंसर है नो। सेकेंड है, देखिए समझाया इसलिए ताकि आपको सब कुछ पता होना चाहिए जो भी आप आंसर कर रहे हो उसके बारे में। नेम वन सब्सटेंस विच इज प्रोड्यूस इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन बाय एन ऑर्गेनिज्म बट नॉट इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो आपको एक सब्सटेंस का नाम बताना है जो कि एन एरोबिक रेस्पिरेशन में आपका बनता है,
एरोबिक में नहीं बनता, तो एरोबिक में तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं, और एनएरोबिक में ये आपका एल्कोहल बनता है, और इस एल्कोहल का नाम है इथेनॉल, तो आंसर आएगा इथेनॉल। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। थर्ड है, नेम वन ऑर्गेनिज्म विच कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन, एक ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है, तो अभी मैंने बताया ईस्ट, ईस्ट के अलावा कुछ बैक्टीरियाज भी हैं जो रह सकते हैं, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ईस्ट, जो बिना ऑक्सीजन के रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन देखने के लिए मिलता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इतना सारा जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया क्यों दिया, क्योंकि इस पूरे एक्सप्लेनेशन से आपके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब आता है फोर्थ, इन विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन एरोबिक और एनएरोबिक मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, एरोबिक में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है या एनएरोबिक में? देखिए, जहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है उस तरह के रेस्पिरेशन को हम एरोबिक कहते हैं, और जहाँ पे एब्सेंट रहता है उसको एनएरोबिक कहते हैं। तो जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है वहाँ पे 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जबकि एनएरोबिक में बहुत ही कम एनर्जी 2 ATP यूज होती है, प्रोड्यूस होती है। तो इन विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन एरोबिक और एनएरोबिक मोर एनर्जी इज रिलीज, तो एरोबिक इसका आंसर आएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे एरोबिक। लेटरली क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, नेम द सब्सटेंस हूज बिल्डअप इन मसल ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज मे कॉज क्रैम्प। देखिए, आपके मसल्स में दर्द हो जाता है जब आप जिम वगैरह कर आते हैं, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज करके आते हैं, क्योंकि अब ये क्या हो रहा है, अंदर हमारे शरीर में क्या हो रहा है, हमारे शरीर में हो रहा है कि ऑक्सीजन रेस्पायर करते हैं जिससे एनर्जी क्रिएट होती है, उस एनर्जी के थ्रू हम कर रहे हैं अपनी एक्टिविटी जिम के अंदर, लेकिन इतनी ज्यादा एक्टिविटी कर रहे कि जितनी भी ऑक्सीजन ले रहे हैं वो भी कम पड़ रही है, तो उस वक्त एनएरोबिक रेस्पिरेशन चालू हो जाता है, और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से हमारे एनएरोबिक रेस्पिरेशन में पाइरूवेट जो है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, ताकि हम एक्स्ट्रा एनर्जी बॉडी को दे पाए, तो उस वक्त लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। अभी लैक्टिक एसिड क्या करता है, हमारी मसल्स में दर्द करता है, तो कौन सा सब्सटेंस यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, लैक्टिक एसिड। तो जनरली अगर आप लैक्टिक एसिड खा भी रहे हैं, तो इस तरह ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं, तो इस तरह के क्रैम्स का आपको सामना करना पड़ सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप भूल जाते हैं, जो अभी नहीं भूलना है, विच पार्ट ऑफ रूट इज इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। तो रेस्पिरेटरी गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, फोटोसिंथेसिस के वक्त पे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन जब प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो उनका कौन सा ऐसा बॉडी का पार्ट है जिसके थ्रू ये एक्सचेंज होता है, तो वो बॉडी का पार्ट है रूट हेयर्स, जो प्लांट के जो रूट हेयर्स होते हैं, देखिए ये आपकी रूट है और जो रूट के ये हेयर्स हैं, इसके थ्रू इन गैसेस का एक्सचेंज होता है, दिस इज नोन एज द रूट हेयर्स। उसके बाद सेवेंथ है, नेम द प्रोसेस बाई विच प्लांट पार्ट लाइक रूट स्टेम एंड लीव्स गेट ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पिरेशन। अब उस प्रोसेस का क्या नाम है जिसके थ्रू प्लांट के अलग अलग पार्ट ऑक्सीजन ले रहे हैं जो कि उसको रेस्पिरेशन के लिए जरूरत है। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को अभी तक यही नहीं पता होगा कि प्लांट ऑक्सीजन लेता है रेस्पिरेशन के लिए। अभी तक तो हमने सुना है कि प्लांट ऑक्सीजन छोड़ता है जिसकी वजह से हम लोग रेस्पायर कर पाते हैं, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, उसमें ऑक्सीजन आउट होता है, लेकिन वो नॉर्मली जब रेस्पायर कर रहा है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, प्लांट को भी चाहिए, ठीक है। और प्लांट एक ऐसा आपका ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बना सकता है, ऑक्सीजन भी खुद बना सकता है अपनी, उसको किसी की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सेवेंथ में उस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन। दो तरह के प्रोसेस होते हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, लेकिन यहाँ पर डिफ्यूजन के थ्रू पूरे जो आपके रूट हेयर जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो पूरे के पूरे प्लांट पार्ट्स में डिफ्यूजन के थ्रू आपका स्प्रेड कर देते हैं ऑक्सीजन को। एट्थ है, नेम द पोर इन द लीव थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। तो अब लीफ के कौन से पोर है जिसके थ्रू रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो लीफ के अंदर होता है स्टोमेटा। कौन सा होता है, स्टोमेटा। तो जब ओपन क्लोज होता है उसके थ्रू रेस्पिरेटरी गैसेस का भी एक्सचेंज यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है, तो दैट ऑर्गन इज स्टोमेटा। अब आता है नाइन्थ वाला, नेम द एरिया इन बॉडी स्टेम थ्रू विच रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस। तो वो कौन सा एरिया है आपकी रूट्स का, बॉडी स्टेम्स का, जिसके थ्रू
वो एक्सचेंज कर पाता है। नेम द एरियन बुडी स्टेम, तो यहाँ पे बुडी स्टेम के बारे में बात हो रही है, तो उसका नाम है आपका लेंटिकल्स। तो लेंटिकल्स के थ्रू ये एक्सचेंज हमको देखने के लिए मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है, विच पार्ट ऑफ रूट इज इन्वॉल्व, तो यहाँ पे रूट का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है ये पूछा गया था, और यहाँ पे पूछा गया एरिया इन द बॉडी स्टेम थ्रू विच, वो एरिया जिसके थ्रू हो रहा था वो लेंटिकल्स है। तो ये थोड़ा ख्याल रखना है आपको क्वेश्चन का, डोंट गेट कंफ्यूज। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सटेंशन ऑफ इपिडर्मल सेल ऑफ अ रूट विच हेल्प इन रेस्पिरेशन, तो एपिडर्मल जो सेल है उनका कौन सा एक्सटेंशन है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी रूट है, तो आंसर इज गोइंग टू बी रूट है। ये एक्सटेंशन है रूट्स का, लंबे तक फैलता है मिट्टी के अंदर से, ऑक्सीजन वो डिफ्यूज कर देता है प्लांट के दूसरे पार्ट तक। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक इधर, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, दूसरे वीडियोस को भी आप देख के अपने नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। 11th है, आउट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट विच अकर ऑल द टाइम, रेस्पिरेशन पूरे टाइम होता है कि फोटोसिंथेसिस, आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो उस वक्त होता है जब सूर्य निकलता है, जब सन निकलता है तो डे टाइम पर होता है, तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि फुल टाइम होता है, तो इसके ए का आंसर आएगा रेस्पिरेशन। और दूसरा है ओनली एट डे टाइम, डे टाइम पे क्या होता है, सिर्फ फोटोसिंथेसिस हो सकता है, ठीक है। रेस्पिरेशन पूरे टाइम होता है, सुबह शाम रात दिन, और फोटोसिंथेसिस सिर्फ सूरज निकलने के वक्त ही होता है डे टाइम पर। फिर पूछा है 12th, नेम द ऑर्गन ऑफ ब्रीदिंग इन फिश, फिश के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो ब्रीदिंग में उसको हेल्प करता है। एवरीबडी नोज कि गिल्स, जो फिश के अंदर जो गिल्स होते हैं यहाँ पर वो हेल्प करते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन के थ्रू उसको उसको रेस्पायर करने में। 13th है, नेम एन एनिमल विच एब्जॉर्ब ऑक्सीजन थ्रू द मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट स्किन के थ्रू, अपनी स्किन के थ्रू, गिलगिली स्किन के थ्रू कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि एनर्जी, मतलब सॉरी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, वो है अर्थवर्म। कौन सा है, अर्थवर्म एक ऐसा एनिमल है जो ऑर्गेनिज्म है जो कि मॉइस्ट स्किन, जिस तरह से हम लोग लंग्स से रेस्पायर करते हैं उसी तरह से फिश गिल से करती है, अर्थवर्म स्किन से करता है। 14 है, नेम द एनिमल विच डिपेंड ऑन सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फॉर ब्रीदिंग, तो अमीबा एक ऐसा एनिमल है जो कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन जो उसकी एक ही सेल है उसकी मेम्ब्रेन के थ्रू वो ऑक्सीजन, क्योंकि वो पानी में रहता है डिजोल्व ऑक्सीजन लेता है, तो वो ऑक्सीजन को अंदर लेता है अपने सेल के और कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है उसको निकालता है। तो ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है, तो और लेता कहाँ से, सेल मेम्ब्रेन से। 15th है, नेम टू एनिमल विच ब्रीथ थ्रू गिल्स, दो एनिमल्स के नाम बताने जो गिल्स से लेते हैं, एक तो फिश ही है, उसके अलावा एक्वाटिक एनिमल्स में आपका प्रोन आ सकता है यहाँ पे जो कि गिल्स से लेता है, इसके अलावा आपका मसल्स भी आ सकता है, लेकिन आपको दो ही देने, तो चूज एनी टू आउट ऑफ थ्री। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, और अगर आपके पास एस चांद और एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक चेकआउट कर सकते हैं, घर पे बैठे बैठे मंगा सकते हैं अपने लिए एस चांद और एनसीईआरटी की बुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द ट्रेकिया डिवाइड इनटू टू ट्यूब्स, ट्रेकिया क्या होता है, ये जो हमारा विंड पाइप होता है इसको हम ट्रेकिया बोलते हैं, ये देखिये यहाँ पे दो ट्यूब में डिवाइड है। एट इट्स लोअर एंड, तो लोअर एंड ये हो गया, ठीक है, लोअर एंड, वॉट इज द नेम ऑफ दीज ट्यूब, तो इन ट्यूब का नाम हमको बताना है कि इन ट्यूब को क्या बोलते हैं। आप देख सकते हो कि देखो यहाँ पे इंडिकेशन दे रखा है इन ट्यूब के लिए, दैट इज ब्रोंकाई, क्या बोलते हैं इसको, ब्रोंकाई। तो 16th का आंसर होने वाला है जो एंड पर जो आपका ये क्या बोलते हैं ट्रेकिया, इसके लोअर पार्ट को हम बोलते हैं ब्रोंकाई, जो कि इसको डिवाइड करता है टू पार्ट में ट्यूब को। 17th है, वेयर डज द ब्लड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन इन ह्यूमन, आपका कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे ब्लड एब्जॉर्ब होता है, जो ब्लड एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन को ह्यूमंस के अंदर, तो वो पार्ट हमको यहाँ पे बताना है, तो दिस इज गोइंग टू बी एल्विओली, दिस इज गोइंग टू बी एल्विओली। अभी एल्विओली होता क्या है, तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लंग्स के अंदर इस तरह के पैकेट्स होते हैं, सैक्स होते हैं जो कि ब्लड वेजल से कनेक्टेड है, तो ये सैक्स के अंदर ऑक्सीजन आती है, ब्लड वेजल इसको लेके जाती है, That is going to be alveoli, right? फिर 18th है, name the red pigment which carries oxygen in blood. अब देखिए खून का रंग लाल होता है,
लाल क्यों होते हैं? क्योंकि उसके अंदर एक रेड पिगमेंट होता है जो उसको कलर देता है, एंड दैट पिगमेंट नेम इज हीमोग्लोबिन। ये छोटी छोटी सी बातें हमें बचपन से ही पता होनी चाहिए। 19th, विच गैस आर एक्सचेंज इन योर लंग्स? आपके लंग्स में कौन कौन सी गैस एक्सचेंज होती है? तो एक तो ऑक्सीजन जो एटमोसफेयर से आपकी बॉडी के अंदर आती है, और फिर आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और 38 एटीपी एनर्जी आपकी निकलती है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाहर निकलती है, तो एक्सचेंज कौन कौन सी कैसे हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल कर रहे हैं। 20th है, वेयर इन दी लंग्स डज गैस एक्सचेंज टेक प्लेस? अब लंग्स के कौन से पार्ट के अंदर ये जो गैसियस एक्सचेंज है वो हमको देखने के लिए मिल रहा है? तो लंग्स का ये जो एल्वियोली पार्ट है, यहाँ पर ब्लड सेल के थ्रू ऑक्सीजन जाता है, ब्लड सेल के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड आता है। तो ये जो ब्लड जो गैसेस का जो एक्सचेंज हो रहा है हमारे लंग्स का, कौन सा पार्ट है? एल्वियोली। नाउ मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 21, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, और बेल आइकन को हिट करना भी ना भूले, ताकि आपको नए नए वीडियोस के बारे में टाइम टू टाइम पता लगता रहे। 21 है, व्हाट इज द नेम ऑफ टाइनी एयर सैक्स एट द एंड ऑफ द स्मॉलेस्ट ब्रोंकियोल्स इन द लंग्स? जो छोटे छोटे से एयर सैक्स होते हैं, माने की जो थैले होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अभी मैंने आपको दिखाया था, दैट इज नोन एज द एल्वियोली, जो कि ब्लड सेल से आपके अटैच्ड है। उसके बाद है 22, वॉट इज द अदर नेम ऑफ विंड पाइप? तो अभी अभी हमने देखा जो विंड पाइप है उसका नाम होता है ट्रेकिया। विंड पाइप का दूसरा नाम ट्रेकिया है, और जो फूड पाइप है उसका नाम होता है ईसोफेगस, जो इससे पहले दूसरे वीडियोज में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। 23 है, वॉट ऑर्गन आर अटैच टू द टू ब्रोंकाई? जो दो ब्रोंकाई है उससे कौन से ऑर्गन अटैच होते? तो अभी आपने देखा लंग्स अटैच होते हैं, तो आंसर आएगा लंग्स। 23rd का आंसर है लंग्स। अब 24th को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ए और बी में। पूछा है इन द लंग ए व्हाट सब्सटेंस इज टेकन इनटू द बॉडी? बॉडी के अंदर कौन सा सब्सटेंस लिया जाता है? तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन। व्हाट सब्सटेंस रिमूव फ्रॉम द बॉडी? ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 25th एंड 26 करेंगे, इसके बाद मैं वीडियो को ओवर कर दूंगी। और अगेन रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताइए। अच्छा लगता है वीडियो तो अभी आप कमेंट में बता सकते हैं, लाइक करना वीडियो को ना भूलें। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द प्लांट टेक CO2, जब रेस्पिरेशन करता है प्लांट तो वो CO2 लेता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। आप में से बहुत सारे लोगों को ठीक लग सकता है, पर नहीं, अगर यहाँ पे फोटोसिंथेसिस आता तो ये स्टेटमेंट ठीक होता। लेकिन चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन हो, ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करते हैं, तो ये पहला वाला आपका फॉल्स आ जाएगा। दूसरा है, एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस इन सेल विदाउट ऑक्सीजन? के एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है सेल के अंदर बिना ऑक्सीजन के? बिल्कुल हो सकती है, 2 ATP एनोरोबिक रेस्पिरेशन में, तो ये आपका ट्रू आ जाएगा। तीसरा है, फिश एंड अर्थवर्म एक्सचेंज गैसेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन द सेम वे? क्या वो एक ही तरह से गैस का एक्सचेंज करते हैं? तो आंसर है नो, फिश गिल्स के थ्रू करती है, अर्थ मॉइस्ट स्किन के थ्रू करता है, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। अब 26 में आपके फिलअप हैं जो 5 हैं। पहला है, द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन मैन आर, जो ऑर्गन है रेस्पिरेशन का आदमियों के अंदर वो कौन सा है? जो तो यहाँ पर ह्यूमंस के अंदर जो रेस्पिरेशन का जो ऑर्गन है वो लंग्स है। फिर भी आता है आपका, द एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस इन द डैश ऑफ द लंग्स। एक्चुअल जो गैस का जो एक्सचेंज हो रहा है वो कहाँ हो रहा है लंग्स में? तो हमने बताया जो सीधे आपके सेल से, मतलब जो आपकी नर्व से कनेक्टेड है, दिस इज एल्वियोली। सी है, डैश इन दी लंग्स प्रोवाइड अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया टू गैसेस एक्सचेंज। लंग्स का कौन सा पार्ट है जो कि गैसेस के एक्सचेंज के लिए बहुत ज्यादा सरफेस एरिया देता है? दिस इज गोइंग टू बी सेम एल्वियोली। ये सैक्स माने थैलो के रूप में होता है और गैस के भरते ही फैल जाता है, उसके बाद फूल जाता है कह सकते हैं। डी है, ईस्ट अंडरगो डैश रेस्पिरेशन, तो यहाँ पे एनएरोबिक आएगा, जो ईस्ट है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, वेयर एज अमीबा अंडरगो एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ईस्ट आपका एनएरोबिक करता है और अमीबा आपका एरोबिक करता है। लास्ट है, गिल्स आर ब्रीथिंग ऑर्गन इन फिश, तो गिल्स किसके अंदर? फिश भी आ सकता है आपका, यहाँ पे प्रॉन्स भी आ सकता है,
नाउ वीडियो इज ओवर है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आई हैव कंप्लीटेड. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स.